मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो बेटा आपका 8th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि 8th क्लास में जो है मैंने भारत की खोज में किसमें बी के एन के सो फॉर्म बी के भारत की खोज में लेसन 5 जो है अभी तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो आज जो है नया टॉपिक हम लेंगे, नया विषय जो है हमारे इनके इसमें भारत की खोज में लेसन 6 और लेसन 6 का जो है नाम अंतिम दौर 1। क्या है आपके बुक में अंतिम दौर 1। तो सबसे पहले जो है मैं आपको इसके बारे में इसका पाठ का सार एक तरीके से समझाना चाहूँगी कि इस पाठ में जो है क्या है, क्या विषय है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं पिछले पाठ में जो है आपने जाना है कि एक के बाद एक जो है राजा उनकी जो है उत्तराधिकारी शासन चलता गया और उनका जो है परचम लहराता गया। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ये लेसन 6 यानी कि इसमें जो है अंतिम दौर में बताया गया। तो भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भारत जो है इसमें राजनीतिक समझते हो आप, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इनके चुनाव वगैरह आते हैं तो ये राजनीतिक क्षेत्र में हमारे आते हैं। जैसे अब हमारे इसमें नगर पालिका के चुनाव है तो ये सब राजनीतिक में ही आते हैं, इसी के अंतर्गत जो है ये आते हैं सभी। तो भारत जो है राजनीतिक आर्थिक जैसे पैसे की तंगी, आर्थिक स्थिति हमारी वो होती है ना, पैसे की तंगी ना हो इस तरीके की, तो वो बोलते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से पहली बार एक अन्य देश का पुछला बन गया। पुछला यानी कि पुछला समझते हो क्या होता है, पूछ कि अपना देश होते हुए, भारत किसका देश है, अपना देश है। तो यानी कि भारत जो है राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार एक अन्य देश का, कोई भी बाहर से देश आ गया, कोई भी एक अन्य जो है देश आ गया उसका जो है पुछला बनता है। यानी कि युगों से अपनी पहचान नए खोने वाला, जो इतने युगों से भारत ने जो है बेटा अपनी पहचान नहीं खोई थी आज तक का और न ही उसने अपनी पहचान किसी को दी थी, तो पहचान खोने वाला भारत में जो है पहली बार एक नई घटना घटी। अब वो घटना कौन सी थी जो भारत में घटी, जो कि वो दूसरे अन्य देश का पुछला बन गया यानी कि उसकी पूंछ बन गई, उसके पीछे पीछे चलता था अपने देश में अपना राजकाज होते हुए, यानी कि कोई हमारे भारत पर आकर जो है दूसरा देश अपना अधिकार यहाँ पर जमाने लगे और हम जो है उसके पूंछ के पीछे पीछे घूमते रहे। पुछला तात्पर्य यानी कि पूंछ के पीछे पीछे घूमते रहे। तो भारत जो था बेटा राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से जो है कमजोर होता गया और एक अन्य किसी देश ने जो है आकर, जैसे अंग्रेजी शासन तो अन्य देश के आ गए ना, खाने वाले भारत में जो है पहली बार एक नई घटना ऐसी घटी कि भारत में अंग्रेजी राज्य स्थापित हो गया। बाहर से ही तो आए थे ना वे, जैसे आपने, मैं उदाहरण देना चाहूँगी कि 6 क्लास में आपने झांसी की रानी का पाठ पढ़ा होगा तो उसमें देखा था कि किस प्रकार जो है डलहौजी ने झांसी पर आक्रमण करके जैसे गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी, तो डलहौजी जो अंग्रेजी शासक था उस टाइम, तो उसने यानी कि झांसी पर फिर ग्वालियर पर एक के बाद जो है एक राज्य अपने अधीन कर लिया था, यानी कि अपने अंग्रेजी शासन में मिला लिया था। तो ठीक उसी प्रकार जो है हमारे भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए, यानी कि कोई भी अन्य देश अंग्रेजी राज्य, यानी कि एक ऐसी घटना घटी कि अंग्रेजी राज्य ने जो है अपना यहाँ पर एक राज्य स्थापित कर लिया और वह अपने ही देश में गुलाम हो गया। कौन हो गया अपने ही देश में, कौन हो गया अपने ही देश में गुलाम, भारत। समझ नहीं रहे, ध्यान नहीं है आपका, क्योंकि भारत जो है वो अपना ही तो देश है, भारत का ही अपना ही तो देश है ना, तो अपने ही देश में जो है भारत गुलाम बनकर रह गया, यानी कि अंग्रेज
शासन का जो है वो एक जैसे उदाहरण इसमें दिया गया पुछला बनकर यानी कि उसकी पूंछ बनकर ही शेष रह गया। पूंछ होता है यंति यानी कि अंतिम भाग, पूंछ का यानी कि अंतिम भाग ही जो है वो रह गया। तो ऐसी घटना ने कौन सी घटना यानी कि अंग्रेजी राज्य जो है यहाँ पर स्थापित हो गया वो एक घटना थी। और वह यानी कि भारत अपने ही देश में क्या बनकर रह गया, एक गुलाम नौकर जो है बनकर रह गया। बहुत सी जातियों ने, जाति जानते हो सभी जैसे वर्ग होते हैं जाति से, ब्राह्मण तो जाट और चमार सभी जो है वर्ग के जाति जो होती हैं, बिहारी इस टाइप के कोई भी वर्ग उसमें जो है आ सकते हैं। इनकी बहुत सी जातियों ने भारत पर राजनीति सत्ता कायम की। किसने की? बहुत सी जातियों ने, कोई भी जाति का आकर जो है उसने राजनीतिक सत्ता में कोई भी उठ सकता है। किसी के लिए कोई धर्म कानून तो नहीं है कि उसी धर्म के लोग उठेंगे, उसी जाति के लोग जो है चुनाव में उठ सकते हैं, ऐसा तो कोई नियम नहीं होता ना। तो किसी भी जाति का जो है राजनीति के क्षेत्र में जो है संचालन यानी कि उसकी धरती से बाहर हुआ। अंग्रेजी जो है अंग्रेज अपने मूल और चरित्र दोनों ही रूपों से, दोनों ही मूल और चरित्र, चरित्र समझता है जैसे हमारा चरित्र हम कैसे हैं, समझ रहे हो ना, और मूल जैसे मूल निवासी कहाँ के हम निवासी है एक तरीके से, तो उसमें जो है अंग्रेजी अपने मूल और चरित्र दोनों ही रूपों में स्थाई रूप से विदेशी थे। यानी कि वो थे भी विदेशी और रहने वाले भी कहाँ के थे, वो विदेशी ही थे, विदेशी ही थे ना, रहने वाले भी विदेशी थे और मूल रूप से वो कहलाने वाले भी एक विदेशी ही थे। तो इसमें जो है धीरे धीरे वो आए यानी कि विदेशी थे एक तरीके से, उन्होंने भारत में रहकर भारतीयों पर हुकूमत चलाई यानी कि अपना अधिकार, अपना जैसे एक नौकर को कोई काम बताता ना, इस तरीके से अंग्रेजों ने भारतीयों पर अपनी हुकूमत चलाई, अपने कहे अनुसार जो है कार्य करवाए। तो जैसे पहले मैं उदाहरण देना चाहूँगी कि अंग्रेजी जो थे पहले किसानों से खेती अपनी समझ से करवाया करते थे कि आप जो है इस खेती में प्याज बोओगे कि गन्ना बोओगे कि चावल बोओगे, यानी कि जमींदार जो है अपनी समझ से अपनी खेती भी नहीं कर सकता था। तो वो भी जो है एक जमींदार होने के नाते यानी कि अंग्रेजी शासन की हुकूमत के आगे जो है उसकी एक भी नहीं चलती थी। तो उनके कहे अनुसार, उनके नियम अनुसार जो है वो खेती भी करता था और जो है उनके कहे अनुसार वो उसमें बोता था, और जो है पैदावार करने के बाद वो जो जितना भी उसमें फसल उगती थी तो वो अंग्रेजी शासन जो है किसान से हथियार लिया करता था, ले लिया करता था और उनको कर के रूप में एक मामूली से खाने के लिए जो है उनको शेष दिया करता था। किसको? भारतीयों को। तो जो मैं आपको उदाहरण के लिए लेकर चलना चाहती हूँ कि आपने टीवी पर अवश्य देखा होगा कि किसान आंदोलन, तो किसान आंदोलन किस लिए है आपको ये मालूम है बेटा? नहीं ना। तो इनके ऊपर भी तीन नियम लगाए गए हैं। तो ये किसान जो है, जो आज की सरकार है वो किसानों पर तीन नियम जो है थोपना चाहती है, और जबकि जो है किसान उन नियमों को लेना ही नहीं चाहते हैं। तो ये भी जो है एक तरीके से अंग्रेजी शासन के तरह ही कुछ ऐसा हो रहा है कि जो है इसमें सरकार जो है वो अपने नियम किसानों पर चलाना चाहती है, और जबकि किसान जो है वो मेहनत करता है और दिन रात उसमें खेती करता है, मेहनत करता है, परिश्रम पसीना बहाता है, तो उनको उनको कोई हक नहीं होता बताने वाला कि उनको उस भूमि में कैसी पैदावार करनी चाहिए और उसको कहाँ उसको बेचना चाहिए, और मूल्य भी जो है उसके निर्धारित कौन करती है? सरकार ही करती है। अगर आपकी बेटा कोई ये पेन है, आप इसको बेच रहे हैं, तो आप इसका मूल्य निर्धारित करोगे ना कि ये पेन मैं इतने में दे सकता हूँ। अगर मेरी कंपनी इस पेन को बनाती है, मान लिया इस पेन को बनाया कंपनी ने, तो वो कंपनी जो है एक
एक बहुत ही कम मूल्य इसका निर्धारित करती है। अब जैसे दूसरे के पास जाएगा, फिर तीसरे के पास जाएगा, तो इस पेन का मूल्य कितना बढ़ता चला जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से किसानों का जो फसल होती है वो कम दाम पर लेकर सरकार, तो उसको जो है कोल्ड स्टोर में रख लिया जाता है। जैसे प्याज ही है, प्याज जब प्याज की पैदावार होती है तो कितनी सस्ती प्याज बिकती है, 5 रुपये किलो या 7 रुपये किलो। तो जैसे उसको कोल्ड स्टोर में जब्त कर लिया जाता है तो धीरे धीरे सरकार फिर उस पर अपने रेट थोपने लगती है। जैसे कि आज प्याज का रेट कितना आप भी देख रहे हैं, इसका उदाहरण ये ले सकते हैं। तो इस प्रकार जो है इसी में, यानी कि फिर हम वापस अंतिम दौर की इसमें आते हैं, ये मैंने आपको उदाहरण के तौर पर समझाया है। तो इसमें जो है भारत पर राजनीतिक संचालन उसकी धरती से बाहर हुआ और अंग्रेज अपने मूल और चरित्र दोनों से ही, दोनों के ही रूपों में स्थायी रूप से विदेशी थे। उन्होंने भारत में रहकर भारतीयों पर हुकूमत चलाई। हुकूमत जैसे मैंने अभी किसान का उदाहरण दिया और एक प्याज का उदाहरण मैंने आपको दिया है, तो हुकूमत चलाई जबकि शासन सत्ता इंग्लैंड में थी। उनकी शासन के अधिकारी जो थे वो इंग्लैंड के थे, लेकिन इंग्लैंड में ही उनकी शासन सत्ता चलती थी, जैसे हमारी दिल्ली में है, तो ठीक उसी प्रकार जो है उनकी इंग्लैंड में थी। तो नई पूंजीवादी व्यवस्था ने संपूर्ण पूंजीवादी, जैसे हमारे आपने सुना होगा कि पूंजीवादी होते हैं जो कि माल को इकट्ठा करते हैं और उनको, उनके पास काफ़ी मात्रा में माल होता है, उनको पूंजीवादी कहते हैं बेटा। तो व्यवस्था ने जो है संपूर्ण विश्व में जो बाजार तैयार किया था उसने भारत के आर्थिक ढांचे को बहुत ही प्रभावित किया। अंग्रेजों ने जो है एक नए तरीके से बाजार को तैयार किया था और उस बाजार ने जो है भारतीयों के आर्थिक ढांचे को जो है बहुत ही प्रभावित किया था और उन्होंने भारतीय समाज के आर्थिक और संरचनात्मक जो है आधार का विघटन कर दिया था। उन्होंने किसने, भारतीयों ने नहीं, अंग्रेजों ने जो है भारतीयों के समाज का और उनके जो है आर्थिक और संरचनात्मक आधार का विघटन यानी कि ख़त्म कर दिया था। किसने, अंग्रेजों ने। भारत ब्रिटिश सरकार के लिए एक औपनिवेशिक केंद्र जो है खेतीहर पुछला बनकर रह गया, ये खेतीहर का जो मैंने आपको उदाहरण पहले दे चुकी हूँ। तो यानी कि वे उनके अनुसार जो है किसान खेती करते थे, फसल उगाते थे और उनकी फसल को जो है फिर अंग्रेज उनसे ले लिया करते थे और कुछ ही मात्र फसल उनको खाने मात्र ही दिया करते थे। तो इस प्रकार जो है अंग्रेजी शासन का जो है किसान पुछला बनकर रह गया था, जिसे अंग्रेजी सरकार ने बुरी तरह चूसा। चूसा यानी कि उसका सारी कमाई, उसने जो मेहनत करके उपजाऊ की थी तो वो सारा उन्होंने ले लिया था। चूसने का मतलब उन्होंने उनसे ले लिया था, उनकी मेहनत का जो पैसा था। भारत में केवल उन्हीं उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया गया जिनमें जो है अंग्रेजी सरकार को लाभ होता था। मान लिया भारत में जो है कोई उद्योग धंधा था तो किसी उद्योग धंधे से अंग्रेजी सरकार को लाभ होता था तो उन्हीं को जो है वे बढ़ावा देते थे, उन्हीं को वे आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। कौन, अंग्रेज। तो उन्हीं भारतीय उद्योगों को जो है वे बढ़ाने की कोशिश करते थे, उन्हीं का जो है सहयोग देते थे कि जो उनको जो है उनसे लाभ होता था। अंग्रेजों ने भारत में एक ऐसे वर्ग को पैदा किया जिनके स्वार्थ अंग्रेजों के स्वार्थ से अभिन्न थे। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेजी जो शासन था उन्होंने एक भारत में ऐसा वर्ग स्थापित कर दिया था कि जिससे जो है वो वर्ग पैदा हुआ और उसने जो है स्वार्थ अंग्रेजों के स्वार्थ से उसका बिल्कुल अलग था, ऐसा वर्ग जो है अंग्रेजों ने लाकर रखा। ये वर्ग अंग्रेज सरकार और भारतीय जनता के बीच का वर्ग था। कौन सा वर्ग लाए थे अंग्रेजी,
कि भारतीय जो जनता थी और अंग्रेज, उन दोनों के जो ये बीच का हिस्सा था, और वो ऐसा वर्ग था जिससे कि अंग्रेजी ही उससे, यानी कि अंग्रेज जो थे वही उससे अपना भला करवाना चाहते भी थे। जो वर्ग था वो अपने उस तरफ करना चाहते थे उस वर्ग को भी एक तरीके से। तो सरकार और भारतीय जनता के बीच का ही वो वर्ग था जिसमें राजा, यानी कि कोई भारत का राजा है, यानी कि प्रधानमंत्री हम कह सकते हैं उसको, भारत का राजा, जमींदार, जो सबसे बड़ा जमींदार होता है, यानी कि जिसके पास बहुत अधिक एकड़ जमीन होती है तो वो बड़ा जमींदार जो है उनका हिस्सा बन जाता था, सरकारी कर्मचारी, गांव के मुखिया से लेकर ऊपर तक के सभी कर्मचारी की जो है बहुत बड़ी संख्या थी, किसमें, जो कि अंग्रेजी स्वार्थ से बिल्कुल अलग थे, वो अंग्रेजों के स्वार्थ के बारे में नहीं सोचते थे। जो कि बड़े एक जमींदार थे वो अपनी चलाते थे, या बड़े कर्मचारी थे कोई भी, या गांव का जो बड़ा जमींदार था तो उसमें मुखिया जैसे हो गया आपका, गांव का मुखिया हो जाता है। तो ये जो है ऊपर तक ये सभी कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या थी, और ये सभी गरीब जनता व किसानों का खून चूसने वाले थे। किसका? किसानों का और गरीब जनता का जो है ये खून चूसते थे। कौन? बड़े जमींदार और जो है मुखिया हैं, और सरकारी कर्मचारी, जो छोटे किसान होते थे उनका ये खून चूसते थे, क्योंकि ये अंग्रेजों के अधीन हो चुके थे। अंग्रेज जैसे उनको बोलता था ऐसे वे करते थे, कहने को वो भारतीय थे लेकिन अपने ही लोगों का वे खून चूसते थे। क्लियर हो रहा नहीं? तो इसमें जो है वे अपने ही जनता का व किसानों का खून चूसते थे। ब्रिटिश सरकार के दो विशेष महकमे थे, इन्होंने, ब्रिटिश सरकार यानी कि अंग्रेजी शासन, उन्होंने दो महकमे बनाए थे, एक मालगुजारी और दूसरा पुलिस। यानी कि इन दोनों के ऊपर प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट होता था। भारतीय जनता का दुर्भाग्य था कि देश के संपन्न होने पर भी वह गरीब बन गई, क्योंकि हमारा भारत जो है पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, यानी कि अपने देश में संपन्नता होते हुए भी वे अंग्रेजों के अधीन थे और अंग्रेजों के ही अनुसार में चलते थे। यानी कि दुर्भाग्य था उनका कि देश के संपन्न होने पर भी वह गरीब ही रह गए, क्योंकि उन्हें अंग्रेजों के खर्च उठाने पड़ते थे और ब्रिटिश सेना के जो प्रशिक्षण के खर्च का एक हिस्सा भी भारत को ही उठाना पड़ता था। यानी कि ब्रिटिश सेना थी जो उनका प्रशिक्षण यानी कि शिक्षा देने का जो खर्च होता था वो भी भारतीय सरकार ही उठाती थी। भारत को जो है उठाना पड़ता था, जिसे कैपिटेशन कहा जाता था। जो उनका खर्चा उठाती थी उसको क्या कहते थे? कैपिटेशन। किनका खर्चा उठाती थी? अंग्रेजों की सेना का, उनके प्रशिक्षण का, प्रशिक्षण यानी कि शिक्षा देने का जो खर्च होता था वो कौन उठाती थी? भारत तो उठाते थे, उसको जो है एक नाम दिया गया था कैपिटेशन। कैपिटेशन जो है जार्ज इसको कहा जाता है, जो कि अंग्रेजों का सेना का खर्चा, प्रशिक्षण का खर्चा जो है उठाते हैं उसे कैपिटेशन कहा जाता है। तो आज जो है मैंने 8th क्लास में भारत की खोज में अंतिम दौर एक में जो है पाठ का सार मैंने आपको बताया है। तो सभी बच्चे जो हैं इसकी एक बार रीडिंग करेंगे, और रीडिंग करके जो है कल मैं आपको एक एक टॉपिक जो है वो समझाऊंगी। कल जो है आपका सबसे पहले टॉपिक होगा भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर विरोध, यानी कि जो भारत था ब्रिटिश किसको कहा? अंग्रेजी शासन के विरोधी, अंतर विरोध, समझ रहे हो ना तुम?
कि भारत में जो ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजी शासन आ गया था उसके अंतर विरोधी कौन कौन आए थे, उनसे लड़ने के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए अंतर विरोधी, ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय और बंगाल में जो है अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्र, ठीक है। तो इसके बारे में जो है कल मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी। अपनी भारत की खोज की बुक निकाल कर सभी बच्चे जो है बैठेंगे कल, और आज जो है मैंने इसका अंतिम दौर का कुछ थोड़ा सा आपको जिक्र किया है, पाठ का सार कि इसमें क्या क्या है, किस तरीके से इसमें वर्णन किया जाएगा कि भारत जो है एक अंग्रेजों के अधीन हो गया था और अंग्रेज जो है अपनी हुकूमत कैसे भारतीयों पर चलाया करते थे। तो इसके बारे में जो है बेटा मैंने आपको डिटेल्स ये बताई है, बाकी कल से जो है मैं इसमें ये हेडलाइंस आपको दूंगी, ठीक है। तो आज जो है 8th क्लास में इतना ही, जिस बच्चे को जो समझना है वो पूछ सकता है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।